प्रैक्टिकल बताया जा रहा है बेंटगे पोलर, जिसके अंदर पूरा इसका ऑब्जेक्ट होता है, पीएन डायोड होता है, इस सहायता से अपन इस सेमी कंडक्टर का बैंड गैप ज्ञात करते हैं। बैंड गैप क्या होता है कि अपने सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, उसको अपन बैंड गैप बोलते हैं। वो हर प्रकार टाइप के सेमी कंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसके लिए अपने क्या अरेंजमेंट दिया गया है कि अपने पास एक सेमी कंडक्टर जंक्शन पीएन डायोड दिया गया है, इस डायग्राम में जो नोट किया गया है, जिसको किस में रखा हुआ है, ओवन में रखा हुआ है, वो अपने किट के ऊपर भी होगा, ठीक है। ओवन केविटी के अंदर सेमी कंडक्टर डायोड को रखा हुआ है और उसके साथ में एक थर्मामीटर अटैच किया हुआ है, जिससे अपन टेम्परेचर ज्ञात कर लेंगे। और उस डायोड में करंट फॉलो करने के लिए एक्शन सर्किट है, इसमें एमीटर लगा हुआ है और बैटरी लगी है और रिवर्स बायस में ऐड किया गया है। तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग अपन किट पर पहले सर्किट बना देंगे। अपने पास दो टाइप के किट है, बैंड गैप ऑफ द सेमी कंडक्टर डायोड, ये नया वाला जो किट वर्जन है, एनर्जी बैंड गैप ऑफ एपरेटस, ठीक है, वो दोनों एक ही है। आप अपने देखना ही है इसमें ओवन कहाँ है, बैंड जो डायोड कहाँ है और बैटरी कहाँ है, जो सर्किट जोड़ना है। तो देखो इस किट के अंदर पहले देखो माइक्रो एमीटर तो अपने पास यहाँ पर है, ठीक है, उसको सीरीज में अपन जोड़ लेंगे। इस पैनल देखो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर देखो ये छोटा सा दिख रहा है डायोड है, डायोड का सिंबल दिख रहा है। इसको अपन इस ओवन केविटी में, यहाँ देखो अपने पास एक केविटी है, इस केविटी ओवन ही केविटी है, उस केविटी को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अपने पास थर्मामीटर का, उस थर्मामीटर को इस केविटी के अंदर पैक कर देते हैं। कनेक्शन क्या करना होता है, देखो यहाँ अपने पास देखो एमीटर का प्लस यहाँ लगा देते हैं, ये जो माइनस दूसरे सर्किट में जोड़ के इसका डायोड का, देखो ये सीधा है, डायोड का मतलब यहाँ है, ये सिंबल में करेक्शन है, वो डायोड वहाँ पर लगा हुआ है। जब ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पिन लगा देंगे, इस पिन को यहाँ लगा देंगे, तो अपना सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ओवन का स्विच अलग है, ऑन ऑफ, और ये अपने एक्शन सर्किट का सर्किट है, ठीक है। ऐसा सेम इस किट के ऊपर है, देखो यहाँ पर अपन पावर सप्लाई ऑन ऑफ मैन दे रखा है, ठीक है, ओवन के लिए ऑन ऑफ सर्किट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ओवन है, इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, इसी के अंदर डायोड लगा हुआ है और थर्मामीटर को कैसे किया, एक मॉडल अलग है, यहाँ डायोड का सिंबल दिखा रखा है लेकिन डायोड यहाँ लगा हुआ है किट में। अपन एक सर्किट जोड़ना है, तो बैटरी का देखो यहाँ बैटरी पावर ऑन है, ठीक है, बैटरी का सिंबल यहाँ पर है, तो प्लस बैटरी का ये रहा, डायोड का नेगेटिव जोड़ देंगे, नेगेटिव जोड़ के पीएन डायोड को अपन एमीटर में जोड़ देंगे, एमीटर का दूसरा सिरा वापस क्या कर देंगे बैटरी से, तो अपने पास एक क्लोज लूप सर्किट बन जाएगा, ये मीटर का काम करेगा और अपने पास ये डायोड है वो ऑन में ऑटोमेटिकली सेट है, थर्मामीटर लगा हुआ है। अब अपन को रीडिंग क्या लेंगे, सबसे पहले अपन ओवन को स्टार्ट कर देंगे, सर्किट में मिनिमाइज करंट दे देंगे, यहाँ से अपने पास जो डायोड के अंदर है जितने करंट आ जाएगी, पहले नॉर्मल टेम्परेचर को करंट अपन देख लेंगे, यहाँ थर्मामीटर में ध्यान रखेंगे, जिसे ऑन स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टिल टू 70 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने देंगे, मान लो 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ओवन को ऑफ कर देंगे। अब हर 5 डिग्री स्टेट के ऊपर जैसे जैसे पहले करंट जब टेम्परेचर बढ़ रहा था करंट बढ़ रही थी इसमें, अब टेम्परेचर जैसे डाउन होगा करंट डाउन होगी, तो अपन को टेम्परेचर को यहाँ लिखना केल्विन में, 273 ऐड कर देना डिग्री सेल्सियस में, और करंट इंक्रीजिंग टाइम में और डिक्रीजिंग टाइम में दोनों में नोट करना चाहो तो उसका एवरेज लेना पड़ेगा, कि पहले अपन हर 5 स्टेट पर इंक्रीजिंग होता तो उसमें रीडिंग ले लेंगे यहाँ पर कितनी करंट आई, फिर हर 5 स्टेट में उसी पर कितनी डिक्रीजिंग टाइम में रीडिंग आई, ठीक है, दोनों का एवरेज वैल्यू लिख लें। जो करंट आएगा उसका लॉगेस्ट बना लेंगे, जो टेम्परेचर आएगा उसका 1000 में डिवाइड करके कॉलम बना लेंगे, ये दोनों जो कॉलम है इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे इसे, तो एक स्टेट लाइन आएगी इस टाइप की आने से, जिसका स्लोप अपन ट्राइंगल बना के टेन थीटा से निकाल लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखे क्या निकालते हैं, बैंड गैप निकालते हैं, बैंड गैप बराबर है ढाल यहाँ लिखा हो ना, स्लोप अपॉन 5.0.3 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाते हैं। बस ये एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें टाइप